हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज। सुन लो, इनकी सुन लो भाई, हम लोगों को भागना पड़ रहा है, आगे रुकी बस। तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग, क्या इसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कट किया था। तो पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ, तो आप बने रहिए सीरीज और देखते रहिए। अब निकलना है, भूख लग रही, तो थोड़ा चलो कुछ खा लेते हैं, फिर वेट करते हैं। भैया भी आ रहे हैं, भैया से भी मिल लेते हैं। तो चलो चल रहे, जो मिलेगा वो खाएंगे। भूख तो बहुत तगड़ी वाली लगी, क्योंकि भैया भी आ गए, तो भैया से भी मिला नहीं था, तो वो कह रहे थे मेरे से जाते वक्त मिल के जाना, तो वो भी आ गए मिलने। क्या हो गया? तो चलो चलते हैं बर्गर किंग, बेलते हैं जल्दी से, भूख तो लगी तगड़ी। तो भाई अपन लोग तो बैठे हैं बढ़िया आराम से, भैया लोग गए ऑर्डर देने, आ जाए जल्दी से, भूख लगी खाते हैं फिर निकलते हैं, टाइम भी हो रहा। वेटर बस, थैंक यू। चलो भाई खा लिया, अब चलते हैं जहाँ बस आनी है स्टॉप पर, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो भाई अपने पिलर नंबर 36 पर तो आ गए, जहाँ पे बस आनी है, बस का वेट करते हैं, बस का वेट करते हैं। अरे यार ये तो क्या हो गया, बस का वेट करते हैं। चलो कोई नहीं भाई, यार बहुत ज़्यादा ठंडी है यार इधर तो, वास्तव में अभी हो गया 8 टेम्परेचर तो अभी हो गया, बताओ 8 बज रहे हैं अभी, 8 पे 8 हो गया, क्या यार क्या हो रहा है आज। आ यार कितना टाइम, यार वो बोल रहे अभी उनका फ़ोन आया कि भैया थोड़ा आगे फ्लाईओवर में आ जाओ, फ्लाईओवर में बस रुकती, इधर पे नहीं रुकती, तो अब आगे जा रहे हैं नोएडा वाले फ्लाईओवर में। आ जाओ यार जल्दी, ठंडी भी लग रही बाहर, टायर पंचर हो गया था बस का, तो बोल रहे भैया 10-15 मिनट लेट है और जाम में भी फंसी, वेट करते हैं, क्या ही कर सकते वेट के अलावा। भाई सब बस आती जा रही है यार। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज। सुन लो इनकी, सुन लो हर बात पे यार। भाई हम लोगों को भागना पड़ रहा, आगे रुकी बस। चलो कोई नहीं, आ गई जैसे तैसे, आ तो गई यार। हेलो भैया आ गए फाइनली, चलते हैं अब अंदर बैठते हैं। तीसरा नंबर है लोअर, देवान शुक्ला। ठीक पहला दूसरा तीसरा, ये रहा अपना। कौन सो रहा है भैया? कौन सा, ये वाला है ना भैया? कोई सो रहा है क्यों? लेटे थे, भैया को पता नहीं था, उनको उन्हें सीट वीट देखी नहीं होगी, तो वो L3 में सो गए, बल्कि उनकी L4 थी। तो चलो आ गए अपन लोग बस में, सामान वामान रख दिया, ऐसे पूरा पड़ा है। ये भी वही बस है, मेरे को अच्छी लगी, मतलब सही थी नया से, वैसे से ये दूसरी है, मतलब इसमें स्क्रीन है बट वो चालू नहीं है, और सब वैसे ही है। चलो दिल्ली को करते हैं बाय बाय, नेक्स्ट ट्रिप जल्दी लगेगी, ये लोग भी बोल रहे थे यार आने के लिए, तो जल्दी से जल्दी आएंगे और आप लोगों को भी लेकर आएंगे यार। मज़ा आया बट कम घूम पाए यार, बहुत सी क्या गए ही कितना है, एक दो जगह तो गई है गिनती का। वो तो मेन काम जो अपना था वो हो गया, अब नेक्स्ट ट्रिप आएंगे अपन सिर्फ घूमने के मूड से, तो अपन लोग घूमेंगे फुल इन्जॉय करेंगे। तो ये भी नाइट की जर्नी होने वाली, तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं देखने दिखाने जैसा, तो चलो।
देखते हैं आगे क्या कैसा, कहाँ रुकती बस या सो जाता हूँ। लास्ट वाली में जो आया था जब तो सो गया था, तो फिर एक हिम्मत ही नहीं हुई तनने की, कहीं ठंडी वैसे चल रही और इधर तो वैसे यार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। अभी शायद तक एक स्टॉप और रुकना है महामाया, एंड उसके बाद छोड़ देगी, नहीं फिर शायद तक 0 पॉइंट भी रुकेगी, फिर उसके बाद छोड़ देगी, फिर यमुना एक्सप्रेस से पकड़ लेगी बस फिर। तो वापस से अपन अपनी उसी ड्रेस में आ गए, मैंने कहा लेट नाइट ना यार, तो काय को नई साइड वगैरह बेकार वो बर्बाद हो, तो मैं और वो साइड वस्त ये स्वेट साइड डाल ली, ना ठंडी लगना ना कुछ, चाहे जैसे लौटते रहो बढ़िया। तो बस बैठे ही अब ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया दिल्ली। आई होप यार आप सभी लोगों ने इस सीरीज को बहुत एंजॉय किया होगा, अगर आपने ब्लॉग अच्छे से नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर पूरा ब्लॉग अच्छे से देखिए, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे और टू एक्सपो का मजा ले पाएंगे पूरी तरह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज पे बने रहने के लिए, ऐसी सीरीज आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कहीं भी जाएंगे ट्रिप में। यार बाहर तो कुछ देखने लायक है ही नहीं, पेड़ ही पेड़ है कुछ भी। भैया यार ये स्क्रीन डिस्प्ले LED भी चालू कर दो, कुछ देख लें, नेट चल नहीं रहा और अच्छे से। भाई अभी भैया पानी की बोतल लेके गए यार, ये पता नहीं कौन सी है यार, यही वही बोतल मिली सुप्रीम जल, मेरे को लगा इस बार चेंज कर दी होगी इस बस, लेकिन क्या खैर स्टाफ तो एक ही है, पता नहीं कैसे पानी में लिया भी नहीं था वो वाला, अपना लेके चल ही रहे तो पहले अपना ही ख़त्म करेंगे, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ट्राई करेंगे। ये रोड कौन सा है भाई, प्यारा बहुत अच्छा रोड लग रहा है वो, पूरे में लाइट एंड स्टार्ट से लेकर मतलब मैं काफ़ी दूर से देखते चला आ रहा हूँ, एंड तक देखो जहाँ तक दिख रही नज़र जा रही है वहाँ तक लाइट नहीं है, पेड़ फिर आ गए यार भाई देखो, एंड मतलब बहुत पहले से चला आ रहा कंटिन्यूसली, अच्छा लग रहा है यार देखने में, बहुत आगे तक देखो देखो आपको भी दिख रहा होगा इधर तक। तो चलो अपन लोग आ गए यमुना एक्सप्रेस वे के टोल पर, और यहाँ से चालू हो जाता अपना यमुना एक्सप्रेस वे। तो यार अभी मैं लेटे लेटे थोड़ा सा चिक चप कर लिया, तो वॉशरूम जाना था वॉशरूम गया तो बाहर बैठा, भैया बोले खाना खा लो यार, बैठे बैठे भैया बोले लाइक खाना खा लो, तो मैंने कहा नहीं भैया आप खाओ, अच्छे तो बढ़िया भैया का नेचर अच्छा है, चलो यार थोड़ा सो लिया जाए अच्छे से, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, देखो कुछ नहीं है, चलते चल रहे हैं रोड पे, टाइम भी खुलेगी रुकेगी बस पता नहीं कहाँ रुकेगी, तब तक को रुकने से मतलब नहीं, सोते खाना पीना खाई जाए। कहाँ गए यार पता नहीं, पूरे में देखो ओसी ओस पानी पानी यार, तो सो रहा था यार एकदम से नींद खुली भाई, फॉग इतना ज़्यादा था ना, बस भी बहुत स्लो स्लो आई, लेट हो गया अभी जहाँ से पहुँचे, टाइम भी 7 बज गए, अभी सामान अनलोड हुआ है जो झांसी का था,
चलो क्या है भाई, मेरी नज़र तो अभी पड़ी इस पे। रिमोट देखो क्या सही तरीके से प्लेस किया, बिल्कुल सामने है। ऐसी धूप देख के ना ऐसा लग रहा कि बस जाके धूप में खड़े हो जाओ। लेकिन क्या है, अभी तो टाइम ही थोड़ा सा पहुंचने में, तो बैठे हैं अपन लोग, कर भी कह सकते कि धूप अच्छी निकल आई। अब तो भाई लग रहा कब घर आ जाए, जल्दी से घर पहुंचे, थोड़ा मोड़ा रेस्ट करके एडिटिंग भी चालू करनी है, फिर निकलना भी वापस से। पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गए अपन लोग छतरपुर। बस ने जाम और लगा दिया बीच के बीच, खैर उसकी तो जगह है ही खड़ी होने की इधर ऑफिस के सामने। छोटे भाई को कॉल कर दिया तो आ ही रहा होगा, फिर बस चलते हैं घर। रिपोर्टिंग चल रही भाई, आज अग्रवाल समाज का चुनाव है तो बस चल रही चुनाव की तैयारी। तो आ गए हैं वापस से अपन अपने घर जहाँ से ट्रिप को स्टार्ट किया था। तो आ गए हम लोग वापस से घर। फेस कैसा हो गया यार, ये आईएसओ क्या बिगड़ जाते हैं। तो थैंक यू आपका इस सीरीज़ पर बने रहने के लिए, इस ब्लॉग पर बने रहने के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये ब्लॉग अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको कुछ मतलब ऐसा समझ में नहीं आएगा, बट इसका जो पार्ट वन है उधर से आप पूरा कंटिन्यू देखिए, तब आपको पूरा इन्फॉर्मेटिक्स लगेगा और समझ में आएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।